हमारे देश में कोरोना का कहर, 24 घंटों में कोरोना के 1,15,000 से ज्यादा नए केसेस। कोरोना से एक दिन में 630 लोगों की मौत, अब तक 1,66,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामले 8,43,000 से ज्यादा, 24 घंटों में 59,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कार में अकेले हैं तब भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को माना पब्लिक प्लेस, मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। मायावती ने किया ट्वीट, चुनावी रैलियों और रोड शो में कोरोना नियमों का उल्लंघन अति दुखद और चिंताजनक। बिहार में कोरोना के 1,080 नए मामले, सक्रिय मामले 4,900 के पार। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल कोरोना पॉजिटिव, पटना एम्स में भर्ती। पटना आईआईटी के 15 छात्र पॉजिटिव, सभी छात्रों को किया गया आइसोलेट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 3 दिन में 2,000 बेड बढ़ाए गए, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। वैक्सीन निर्यात के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीन देने की मांग। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,100 नए मामले, 17 मरीजों की मौत। दिल्ली में 17,332 सक्रिय मामले, अब तक कुल 6,85,062 केस। पूरे पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, किसी तरह की राजनीतिक सभा पर रोक। गुजरात में कोरोना के 3,280 नए मामले, कोरोना के चलते 17 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, राज्य में वैक्सीन की सप्लाई जरूरत से काफी कम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रतिक्रिया, राज्य की जरूरत के हिसाब से सही है सप्लाई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 55,469 नए कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,72,283 सक्रिय केस, मुंबई में 24 घंटों में 10,030 नए केस, 31 की मौत। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। नागपुर में आज दूसरे दिन भी व्यापारियों ने लॉकडाउन का किया विरोध, दुकानों के आगे खड़े रहकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में सामने आए 94 केस। अमृतसर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिखी लापरवाही, एक बस में दिखे 90 यात्री। जमशेदपुर में कोरोना पर काबू पाने के लिए 3 दिन तक मंगला पूजा, श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज, अब तक करीब 8,40,00,000 लोगों को लगा टीका। यूपी में फिर कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ, 24 घंटे में 5,928 नए केस, 30 की मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,722 नए मामले, 18 मरीजों की मौत। इंदौर में मास्क न पहनने पर पुलिस वालों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा, 2 पुलिस वाले सस्पेंड। देहरादून के दून स्कूल में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित, 7 टीचर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, 18 साल से ऊपर सभी को टीका लगाने की अपील। झारखंड में भी कोरोना हो रहा है बेकाबू, रांची में धारा 144 लागू, पिछले 24 घंटों में 1,264 नए केस। लखनऊ केजीएमसी यूनिवर्सिटी के वीसी को कोरोना, टीका लेने के बाद भी हुए पॉजिटिव। कोरोना के मद्देनजर 10 अप्रैल तक लखनऊ विश्वविद्यालय बंद, छात्रों को घर वापस जाने के दिए गए निर्देश। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 9,921 नए मामले, 27 की मौत। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों पर 15 अप्रैल तक लगा दी रोक, महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर पहले से लगी है पाबंदी। तेलंगाना में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, सामने आए 1,900 से ज्यादा मामले। आंध्र प्रदेश में भी वैक्सीन की कमी का उठा मुद्दा, 1 करोड़ डोजेस की मांग। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के करीब 2,000 केस, कोरोना से 7 लोगों की हुई मौत।
उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, कोरोना वैक्सीन का लिया पहला डोज। आज बंगाल में अमित शाह का मैराथन, चुनावी प्रचार सिंगूर में रोड शो। हावड़ा मध्य और बेहाला पूर्व में भी अमित शाह का रोड शो, आज चार जगहों पर प्रचार। रिक्शा चालक के घर गृह मंत्री का लंच, दूसरे रोड शो के बाद भोजन का कार्यक्रम। जलपाईगुड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा, कहा राम से टकराने का जिसने भी दुस्साहस किया उसकी हुई दुर्गति। कूच बिहार में ममता की रैली, लोगों से बिना डरे वोट देने की अपील। एनआईए दफ्तर आए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, इंटीलिया केस में दर्ज कराया अपना बयान। सचिन बाजू को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट, नियुक्ति को लेकर उठे थे सवाल। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, लोन की ईएमआई पर फिलहाल कोई राहत आपको नहीं मिलेगी। एनआईए की टीम ने आतंकवादी निशात अहमद के घर पर छापे मारे, पूरी संपत्ति सील कर दी। बीजेपी नेता अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या के मामले में छापे, 2019 की घटना। अमृतसर के अजनाला में भारत पाक सीमा पर घुसपैठ की साजिश, बीएसएफ ने मार गिराया। आरोपी के कब्जे से मिली दो AK-47 राइफलें, मारे गए तस्कर का संबंध जगदीश बुरा और गुरदासपुर के एक शख्स के साथ। आरोपी के पास 22 पैकेट हेरोइन बरामद, अभी तक नहीं हो सकी पहचान। के गुलाबबाग इलाके में तनाव, दो आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। कल रात से चल रहा है सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। तमिलनाडु के वेलाचारी में बाइक पर दो ईवीएम के साथ पकड़े गए लोग, एक डिलीवरी बॉय ने पकड़ा। मौके पर जुट गई भारी भीड़, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कांग्रेस और डीएमके ने किया विरोध, चुनाव आयोग से की शिकायत। पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने जांच के दिए आदेश, कहा ईवीएम का चुनाव में नहीं होना था इस्तेमाल। तेलंगाना के कर्नूल में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी से बचने की कोशिश, गैस चूल्हे पर जला दिए, रिश्वत में लिए 5 लाख रुपए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई का आरोप, पंजाब यूपी के सफर में नहीं दिया गया खाना पीना। सामने आया पंजाब पुलिस की कस्टडी में मुख्तार अंसारी का वीडियो, बिना व्हीलचेयर घूमता नजर आया मुख्तार। सख्त दहरे में सुबह करीब 4:30 बजे बांदा जेल में पहुंचा मुख्तार अंसारी, बैरिक नंबर 16 में रखा गया है। आइसोलेशन में है मुख्तार अंसारी, सीसीटीवी के जरिए बैरक की हो रही है निगरानी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को करेगा सुनवाई, जेल में सुरक्षा की मांग की है। यूपी में मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस दाखिल होते डीजीपी की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार डीजीपी ने मुख्तार अंसारी और उसके गैंग से जुड़े लोगों, ऑफिसर्स और दूसरी कई अहम जानकारियां योगी आदित्यनाथ को दी। बांदा जेल में और मजबूत किया गया ट्रिपल लेयर सुरक्षा घेरा, सीसीटीवी का पीछा दिया गया चार। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर जेल को बंद कर दिया गया, 3 थानों की फोर्स कर रही है जेल के सामने लगातार गश्त। पुलिस लाइन से महोबा रोड तक 2 किलोमीटर की जेल रोड को बना दिया गया नो एंट्री जोन। मधुबनी कांड में मुख्य आरोपी प्रवीण झा और भोला सिंह गिरफ्तार, चंदन झा, कमलेश सिंह, मुकेश को पकड़ा गया। मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव, परिवार को 6 लाख रुपए की मदद दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्कूल की बिल्डिंग में आग, एक हफ्ते में आग लगने की यह 3री घटना है। अंबिकापुर के जंगलों में लगी आग, जानवरों की जान पर मंडराया खतरा। पेटा में चलती इको वैन में आग लग गई, सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार बुजुर्ग दंपत्ति को रौनते हुए चली गई, महिला के मोबाइल फोन पर थी नजर। दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही है जांच। पटना के मनेर में एक शख्स ने दवा की दुकान पर सरेआम फायरिंग कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बिहार के कैमूर में बदमाशों ने दो लोगों को गोली मारी, एक की मौके पर ही मौत। सिंगरौली में दिनदहाड़े लूट, पुलिस ने खुलासा किया, तीन को गिरफ्तार किया। चमोली में बदल गया मौसम, नीति घाटी में हो रही है इस समय जबरदस्त बर्फबारी। गुरुग्राम में 28 मार्च को हुई युवक की हत्या के मामले का खुलासा, 4 लाख रुपए न मिलने पर जीजा ने ही हत्या कर दी। दिल्ली के आदर्श नगर में हथियार के दम पर लूट, व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के शाहजहांपुर में 2 दिन पहले युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा दिया था। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने पिटाई के बाद युवक को जिंदा जला दिया, इलाज के दौरान युवक की मौत। यूपी के झांसी में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, थाने के बाहर झड़प में 16 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में 3 साल के मासूम की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूटा, कैंडल मार्च निकाला। इंदौर में नशे में धुत कार सवार का आतंक, सड़कों पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को मारी टक्कर। इंदौर में मास्क नहीं पहनना एक रिक्शे वाले को पड़ा भारी, पुलिस ने जमकर पिटाई की। तरन तारण की शादी समारोह में जमकर चली लाठियां, मामूली बात पर भिड़ गए 2 गुट, एक को लगी गोली। लद्दाख में हथियारों से लैस राफेल विमानों की तैनाती, वायुसेना ने जारी की तस्वीर। ताइवान में ट्रक और ट्रेन की टक्कर का सरकार ने वीडियो किया जारी, हादसे में 50 लोगों की गई जान। इंडोनेशिया के कई द्वीपों में बाढ़ के चलते अब तक 155 लोगों की मौत, भूस्खलन में भी कहर बरपाया। नाइजीरिया के ओवेरी में जेल ब्रेक, बंदूकधारियों ने 1800 कैदियों को छुड़ा लिया। एयर फ्रांस ने बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी, अब लगभग 30% होगी फ्रांस की हिस्सेदारी। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 28,76,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 13,25,00,000 से ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।